राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। नावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाले डाले और पात पात परे राधे राधे हो। हाँ, यहाँ दर्शन देते हैं। हाँ, निष्काम भक्त होते हैं, निष्काम संत होते हैं जी। इस संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो प्रिया प्रीतम का भक्ति है, उनका दर्शन है, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ जी। और वो भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा तो श्री राधा रानी कृपा से ही होगा जी। दोस्तों, भारतवर्ष त्याग और तपस्या की भूमि है। भारतवर्ष संत और सन्यासियों की भूमि है। जहां पर भी जाएंगे, जिस जगह पर भी जाएंगे, तो आपको त्यागी, तपस्वी, महान संत साधना और भक्ति करते हुए मिल जाएंगे। बरसाना अगर आ जाएंगे तो संत महात्मा के दर्शन करेंगे तो मानिए कि जैसे लगता है कि रस यहाँ बरस रहा है, वो भक्ति का, प्रेम का, भाव का रस आपको दिखाई देगा, आपको महसूस होगा। आज एक ऐसे ही संत का दर्शन आप सबको कराने जा रहा हूँ, जो एकदम देखिए वृक्ष के नीचे जो है साधना और तपस्या में मानो लीन हो। और यही हमारी प्राचीन परंपरा, यही हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, जहाँ पर वृक्ष के नीचे घनघोर जंगल में, घने वन में संत और महात्मा साधना और तपस्या में लीन रहा करते हैं। ऐसे ही महाराज जी यहाँ पर बैठे स्थान पर साधना और तपस्या कर रहे थे। आज बात करेंगे बरसाना में रस की, बरसाना में भाव की, बरसाना में राधा रानी की कृपा की, कि कैसे सारी दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन कौन भक्त राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करता है, कौन राधा रानी के दरबार तक पहुंचता है, उनका दर्शन कर पाता है। महाराज जी बहुत बहुत चरणों में वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। बरसाना, नाम सुनते ही तो रस की अनुभूति होती है जी। जी, नाम क्या है महाराज जी, पहले बताएं। अपना छोटा सा नाम गुरु का दिया हुआ, श्री गोपाल बाबा। गोपाल बाबा जी जी, अरे वाह, नंद गोपाल हो गए आप। हाँ जी जी, हमारे यहाँ आप राधा रानी की प्रेरणा से जी, राधा रानी का थोड़ा सा दूर में लीजिएगा मीडिया, क्योंकि आपके ऊपर चित्त जा रहा है जी। देखिए, हमारे यहाँ वेद में कहते हैं रसो वैसा, रसो वैसा। हाँ, यानी रस रूपी भगवान श्री कृष्ण है जी, और रस भगवान श्री कृष्ण को भी रस प्रदान करने वाली श्री राधा रानी, राधा रानी जी। जब महारास लीला हुआ तो स्वयं में भगवान श्री कृष्ण रास लीला कर सकते थे जी, पर श्री राधा रानी को अपनी अलादनी शक्ति के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं जी। जी, तो श्री राधा रानी बहुत बड़ी परम कृपालु हैं और बहुत बड़ी दयालु हैं, शक्ति भक्ति की केंद्र है जी। जी जी, हम संसार में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का दोष गुण का चिंतन होता है। यहाँ तक कि कहना नहीं चाहिए, भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी दोष गुण का चिंतन कर लेते हैं जी। पर प्रिया जो श्री राधा रानी जी ऐसी हैं जी, जब उनको जैसे एक बालक माँ होता है जी, और रोने लगता है जी जी, और रोते रोते माँ जो है अपने छाती से लगा देती है और दूध पिलाने लगती है, देती जी है। तो ऐसी कृपामयी श्री राधा रानी जी, रानी जी, जी, जी जी जी, तो उनकी नाम मात्र से जी, उनकी भक्ति से, उनके प्रेम से, उनके स्मरण चिंतन से, अरे वाह, श्री राधा रानी कृपा करती हैं। और जब श्री राधा रानी का नाम हम लोग पुकारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते, दौड़े चले आते बहुत जी। जी, तो श्री राधा रानी ये हमारा श्री ब्रजधाम अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है जी। जीव मात्र में यहाँ आने की शक्ति नहीं है और ना ठहरने की शक्ति है। अच्छा, जीव मात्र में यहाँ आने की शक्ति नहीं है, ना ठहरने की शक्ति है जी। जी, अपने से कितना भी कोशिश करे नहीं आ सकता जी, नहीं आ सकता है जी। जी, वो परम कृपालु श्री राधा रानी है जी, वो शक्ति भक्ति जो है प्रदान करती हैं, जीव के ऊपर जो है कृपा करती हैं जी, और भगवान श्री कृष्ण जो है उसके ऊपर कृपा करके करते हैं। हाँ, यहाँ दर्शन देते हैं। और जैसे आपकी बात रही मनोकामना की जी, तो मनोकामना क्या है, प्रत्येक भक्त निष्काम होता है
जी जी बहुत उच्च कोटि शास्त्र की वाणी बता रहा हूँ। निष्काम भक्त होते हैं, निष्काम संत होते हैं। जी इस संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो प्रिया प्रीतम का भक्ति है, उनका दर्शन है, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ जी। जी और वो भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा तो श्री राधा रानी कृपा से ही होगा जी। अच्छा उनकी कृपा जी जी जरूरी क्योंकि है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा जी। कलयुग में हम लोग जो मनुष्य है, संग दोष है, अन्न दोष है, भूमि दोष है जी, इस दोष के कारण हम लोगों में उतनी सामर्थ्यता नहीं है जी। तो भगवान ने श्री कृष्ण ने भी एक प्रकार से कृपा करके राधा रानी जो प्रकट स्वरूप किया है जी। वो समझिए कि वो उन्होंने भी हम लोगों के ऊपर कृपा किया है राधा रानी। हाँ राधा रानी, क्योंकि जब जीव मात्र श्री राधा रानी को पुकारेगा तो हम दौड़े दौड़े चले आएंगे। अरे वाह जी। तो श्री राधा रानी का जब हम लोग नाम पुकारते हैं, उनका स्मरण चिंतन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ये सोचते हैं कि राधा रानी को, हमारे लादने शक्ति को ये जीव क्यों पुकार रहा है, अच्छा कि हम लोगों के जीवन के अनुभव का खोज है और संत शास्त्र की वाणी भी है जी। तो भगवान भी विचलित हो जाते हैं। तो विचलित होते हैं, कारण क्या है, हमारे लादने शक्ति को ये क्यों पुकार रहा है, कष्ट में है जी जी, भाव में है, भक्ति में है जी। तो योग क्षेम महाम्यम, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं योग क्षेम का वो पूरा निर्वाह करते हैं, यद्यपि वो पूरे सृष्टि का निर्वाह कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं और जो उनके प्रति समर्पण होता है तो उसका भी वो निर्वाह करते हैं जी जी। तो कहते हैं कि भैया जो कुछ तुमको लेना हो हमसे ले लो जी, भोग ले लो, धन ले लो, ऐश्वर्य ले लो, मान प्रतिष्ठा ले लो, पर श्री राधा रानी को ज्यादा मत पुकारो, ज्यादा श्री राधा रानी के पीछे मत पड़ो जी जी। जब उसका अनन्य चिंतन होता है जी, देखिए हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है, प्रिया प्रीतम श्री राधा रानी का दर्शन है, वो निष्काम से ही कभी हो सकता है, निष्काम से, कभी कामना से, कभी हम सोचे भोग विलास ऐश्वर्य से, ये हमें असंभव है जी। यद्यपि माना जाए तो सपने में भी नहीं जी जी जी। जब निष्कामता आएंगे मन, हाँ मन से सकल वासना भागी, राधे चरण रति लव लागी। अरे वाह जी, जब सारी चीजें मन से भाग जाती है तब राधे के चरण में, हाँ अनन्य जब चिंतन हमारा होता है तब प्रेम आता है, तो श्री राधा रानी कृपा से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है जी। और हम यही भक्तों को कहना चाहेंगे कि देखिए अन्य कते कृतम पापम तीर्थे यत्र विनश्यति तीर्थे यत्र कृतम पापम वज्र लेपम भवति। हमारे श्री वृद्ध धाम में आते हैं, आप एक दृष्टि भक्ति की दृष्टि चश्मा लगाइए जी। यहाँ कड़ कड़ में प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण का निवास है, यहाँ गौ संतों का निवास है, आज भी है, सदा था, सदा रहेगा जी। बस यही है कि उतना सामर्थ्य ना होने के कारण हम पहचान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते जी 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 जी। आज भी है, आज भी अनुभव, हाँ हाँ, आज भी आप जब सत्संग करेंगे, संतों का अनुभव करेंगे तो आज भी आपको झलक का अनुभव होगा, आज भी राधा कृष्ण का दर्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। और श्री राधा रानी प्रिया प्रीतम इनकी जो श्री बरसाना धाम है, ये अधिष्ठात्री देवी हैं, यहाँ इनका केंद्र बिंदु है, और आज भी श्री राधा रानी यहाँ निवास है जी। जो भी जीव मात्र ब्रज में आता है श्री राधा रानी का दर्शन करता है, और श्री राधा रानी कृपा बरसाती रहती है, रात दिन कृपा बरसा रही हैं, और उनका नित्य निरंतर रस बरस रहा है। बस यही है कि हम लोगों को थोड़ा योग पात्र होना चाहिए, योग पात्र होना हाँ। चाहिए, हम योग पात्र नहीं हो पाते हाँ, इसीलिए हम संभाल नहीं पाते, सवाल करते हैं कि राधा रानी की कृपा नहीं हो रही हाँ, की कृपा नहीं जी, हो रही जी, जी, लेकिन जी। हम उसके पात्र तो बने हाँ हाँ जी। तो इसका पात्र यही है कि जैसे कोई जो है जिज्ञासा ना कर पाए भक्त जी, इसका यही है कि संतों का संग करो, संग करें जी, संतों जी। का संग करो, घर पर हो तो संतों का गौ का सेवा करो, सत्संग करो, इससे धीरे धीरे आपको अनुभूति होने लगेगी जी। और राधा रानी क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, आपको रस वही स्वतः आपको अनुभूति होने लगेगी, और बहुत बड़ी हम लोगों के ऊपर कृपा है। अच्छा जी, हम लोगों के ऊपर आपका जो हमारा साधारण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं जी जी जी, और सहज हैं, साधारण हैं, बहुत कुछ है नहीं जी जी, लेकिन कृपा आप बता रहे हैं जैसे लग रहा है दुनिया का सारा
सुख संसार सब आपको मिल गया। हमने कहा कि कामना ही हमारे जीवन का बाधा है, और रही बात कामना तो हमने अभी बीच में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम हमसे जो कुछ चाहो लो, पर श्री राधा रानी का नाम अब मत लो, उनके पीछे मत पड़ो। श्री राधा रानी अलादनी शक्ति, वो उनको जो भी जीव मात्र पाने की कोशिश करता है और उसको बिछुड़वाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर देते हैं। जी जी, पहले तो माया ही उसके सामने प्रकट करते हैं, माया करते हैं। हाँ, माया ही देते हैं। जी जी, माया में धन है, स्त्री है भैया, इसलिए मनुष्य जो है फंसता जाता है, भटकता रहता है, जाता है। हाँ, तो कहते हैं कि कारण क्या है, कामना क्या है? जब हम निष्काम में आ जाते हैं कि हे प्रभु, आपके अलावा कुछ हमें दर्शन नहीं चाहिए, और श्री राधा रानी आप अपनी भक्ति दीजिए, रस दीजिए, तो वो अपनी कृपा बरसाते रहते हैं और ब्रज धाम का निवास मिल जाता है। जी, और यहाँ आपने सुना होगा कि लता पता ये सब जितने ऋषि मुनि है, जी जी जी, ये सब जड़ चेतन एक से एक बन करके श्री राधा रानी का भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ये सब लता पता सब, हाँ जी, भगवत स्वरूप है सब, भगवत स्वरूप, हाँ सब भगवत स्वरूप है। जी जी जी, अब भागवत में लिखा है उद्धव जी लास्ट में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किए कि गुल्फ औषधि नाम जी, हमें जो है कहीं औषधि लता पता बना देना। उद्धव जी ने, हाँ उद्धव जी ने भगवान से कहा, हाँ भगवान से कृष्ण यहाँ जो ब्रज में, हाँ ब्रज में लता पता, हाँ लता पता बना देना, कोई औषधि बना देना, और उस ब्रजंगनाओं का संतों का चरण जब हमारे मस्तक पर लगेगा तो हम धन्य धन्य होते रहेंगे। जी जी, तो ये सब चीज की महिमा अनंत है। जी, मतलब जो उद्धव इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था, और वो कह रहे हैं कि ब्रज में कहीं लता पता कुछ बना दो, जिससे संतों का और ब्रजंगना गोपियों का चरणराज प्राप्त हो। जी जी, प्राप्त होता रहे, और उससे मैं धन्य धन्य होता रहूं, धन्य होता रहूं। तो देखिए, संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जी, भगवान के आगे हम जब जाते हैं जी, तो हमें माया हमारे सामने खड़ी होती है जी, और अलादिनी शक्ति श्री राधा रानी वो सब माया से परे हैं, सब माया, हाँ से परे, सब माया से परे हैं। जब निष्काम निष्कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, हाँ जी, जब मन से हमारा छल कपट जाता है, एक केवल राधे नाम पुकारते हैं, उनके विश्वास से चरणों का ध्यान करते हैं, तो उनकी कृपा तो हम लोगों के ऊपर बरस रही है और हम लोगों को आनंद प्राप्त होता है जी, और उनकी कृपा से कोई असंभव नहीं है, कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप चाहे ब्रज में आइए, चाहे आप गृहस्थ में रहिए, भक्त बनिए, संत बनिए, वहीं आप नाम को पुकारिए और वहीं पर आप सेवा सुमिरन करिए, वहीं आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा। जी, जी जी, और ब्रज में आते हैं तो आप अपराध से बचिए, अपराध, हाँ अपराध से बचो, दोष दृष्टि मत देखो, ऐसा देखो हमारे प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण हर तरफ दिख रहे हैं, हर तरफ, हाँ जी जी, गौ संतों की भूमि है, अनुभव करो, कुछ यहाँ से प्राप्त करके जाओ जी। बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, हमारा आपका जो संयोग हो रहा है ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है जी, जी, श्री राधा रानी की कृपा है जी, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है। यहाँ तक कि आप श्री राधा रानी का यदि आप महिमा का वर्णन सुन रहे हैं तो मैं लास्ट में ही बताऊंगा, हम जैसे अज्ञानी पुरुष श्री राधा रानी की महिमा क्या क्या गुणगान करेंगे, अब इतने से आप समझ जाइए वो कितनी परम ऐश्वर्य जी। शास्त्र शारद उनकी यदि महिमा का बखान करें तो क्या कर सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपना गुरु मानते हैं श्री राधा रानी का और चरणों का ध्यान करते हैं जी जी जी। तो महाराज जी ने जो अंत में कहा कि राधा रानी की महिमा का बखान करना उनके बस की भी बात नहीं है, क्योंकि जब ठाकुर जी कन्हैया जी स्वयं जो है राधा रानी को इतना स्मरण इतना ध्यान करते हैं, और बताया जैसे कि बरसाने में ब्रज में कहीं पर भी लता पता सब जगह पर जो है राधा रानी का वास है, बस अंतःकरण से अंतः मन से आप स्मरण करिए, अनुभूति करिए। हम सब आते हैं विषय विकार को छुड़ाने के लिए, लेकिन आप जब भी आइए तो निष्काम होकर आइए, और निष्काम मन से जब आप आएंगे तो जरूर राधा रानी का कृपा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी अधिष्ठाती देवी राधा रानी है। राधा रानी के स्मरण मात्र से, उनके नाम मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। बहुत ही सरल, बहुत ही शुद्ध, पावन, पवित्र शब्दों में महाराज जी ने
एक एक शब्दों का वर्णन करके अंतःकरण को आनंद में डाल दिया, भाव में डाल दिया। आइए ना भाव के सागर में, आइए ना भक्ति के सागर में, आइए ना राधा राम के स्मरण में, हम सब भी मिलकर डूब जाएं और सब मिलकर बोलें जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, वृंदावन में राधे राधे, जमुना तट पर राधे राधे, बंसीवट पर राधे राधे, बरसाने में राधे राधे। संतो बोले राधे राधे, भक्तों बोले राधे राधे, हम सब बोले राधे राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। बोले श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।